हेलो माय लवली फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल लव यू गार्डनिंग पर। और आज आपको लेकर चलूँगी एक घरौंदे की सैर पर। मेरे एरोकेशिया क्रिसमस ट्री के इस प्लांट पर एक बुलबुल ने अपना घोंसला बनाना शुरू किया है। इतनी उम्मीद और प्यार से ये घोंसला बना रही है। अभी देखिए, इसके आउटर स्ट्रक्चर ही तैयार हुआ है, बीच में इसने कुछ पेपर लगाए हुए हैं और उसे ये कवर करती जा रही है। इतने दिमाग से ये घोंसला बना रही है। एरोकेशिया की लीव्स इसने पूरी चारों तरफ लपेट रखी है, इसे कांटे कांटे से बांध रखा है जिससे उसका घोंसला गिरे ना और वो बंधा रहे। कितने नेचुरल आर्किटेक्ट होते हैं ये बर्ड्स, इतने दिमाग से अपना घरौंदा बना रहे हैं। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे 21 डेज की जर्नी दिखाने वाली हूँ अपनी बुलबुल और उसके घरौंदे की। झाड़ू लगाते टाइम मैंने इस चिड़िया के घोंसले के तिनके और पेपर ये सब उठा के एक बार फेंक दिए थे इस कन्फ्यूजन में कि आंधी की वजह से ये उड़ के यहाँ आ गए हैं। और ऐसा मैंने दो बार किया है, और जब तीसरी बार मैंने चिड़िया को इस पौधे पर बैठा हुआ देखा तब मुझे क्लिक किया कि ये अपना घोंसला बना रही है। तो कूड़ा मैंने फेंका नहीं था उस टाइम, तो इसका रॉ मटेरियल उठा करके मैंने फिर से इस प्लांट पर रख दिया जिससे अपना घोंसला बना ले। लेकिन तीसरी बार भी इसने हिम्मत नहीं हारी और इसने फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू किया। इतना घोंसला बनाने में इसे पूरे 10 दिन का समय लगा हुआ है, जिसमें इसने 3 बार नई तरीके से शुरुआत की है। ये चिड़िया अकेले नहीं आती है, ये पैर में आती है और इसका चिड्डा यहाँ हैंगिंग बास्केट के ऊपर बैठकर इसे बैकअप सिक्योरिटी देता है। और ये तिनका तिनका अपने घोंसले में लगाती है। और फिर दोनों साथ उड़ जाते हैं। ये दोनों चिड़िया कितना अच्छा मैसेज दे रही हैं हमें कि एक घर को सजाती संवारती तो एक फ़ीमेल ही है, फिर चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो या पत्नी हो, लेकिन मेल को हमेशा उसका साथ देना चाहिए, उसके सपोर्ट में रहना चाहिए। तो ये पेयर ऑफ बर्ड्स लाइफ के कितने इम्पोर्टेंट लेसन्स टीच कर रही हैं हमें, हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है। आज पूरे 19 डेज हो गए हैं, पूरे 19 डेज से ये चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। और ये बहुत देर से इसमें कुछ सेट कर रही है, अपने इंटीरियर्स डिज़ाइन कर रही है। ये बहुत देर से बैठी हुई है इस घोंसले में, ये कभी इतनी देर बैठती नहीं है। और मैं इसे बहुत दूर से जूम करके शूट कर रही हूँ। और इस प्लांट को अब हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये दरवाज़े के बिल्कुल सामने है, आने जाने में ये टच कर जाता है। तो हम लोग इसे कूलर की साइड में रख देंगे जिससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। आज डे 20 है और इस प्लांट को हम लोग ने एकदम साइड में शिफ्ट कर दिया है जिससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और ये सुबह सुबह का सीन है, 6 बजे का, ये चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई है और बहुत ही संयम के साथ बैठी हुई है, बिना कोई आवाज़ किए हुए। मैंने इसे पास से भी लिया हुआ है, लेकिन हम इसे ज़्यादा देर तक शूट नहीं करेंगे, इसे रेस्ट करने देंगे। ओ, चिड़िया ने अंडा दे दिया है। और देखिए, चिड़िया चिड्डा दोनों बैकग्राउंड में परेशान हो रहे हैं, तो हम इसे बाद में देखेंगे। इस टाइम चिड़िया और चिड्डा दोनों ही यहाँ नहीं है, तो हम आराम से इसके घोंसले को देख सकते हैं। उस टाइम ये चिड़िया रेस्ट नहीं कर रही थी, ये एग ले कर रही थी, मतलब अंडा दे रही थी। और यहाँ पर देखिए, इसने छोटा सा एकदम क्यूट सा वाइट कलर का मरून डॉटेड अंडा दिया हुआ है, और देख के कितना अच्छा लग रहा है इसको। इसके घोंसले को अगर हम देखें तो कैसे तिनका तिनका ला करके एंगुलर फॉर्म में पूरा नेटवर्क बनाया है इसने अंदर। क्या कमाल की आर्किटेक्चरिंग है इनकी, बिना हाथ यूज़ किए सिर्फ अपनी चोंच से ही पूरा सेट किया है। आज 21st डे है और ये चिड़िया सुबह सुबह फिर से कल वाली सिचुएशन में बैठी हुई है। इसके हटने के बाद
देखते हैं इसके घोंसले में क्या है। इस चिड़िया के हटने के बाद मैंने घोंसला देखा है। ओ वाओ, यहाँ पर 2 अंडे हो चुके हैं। तो ये चिड़िया रोज़ 1 अंडा दे रही है, 1 कल दिया था और 1 आज दिया है। हो सकता है आगे ये और भी अंडे दे। तो आज तक यहाँ पर पूरी 21 डेज़ की जर्नी है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। इसके आगे के अपडेट्स भी मैं आपको दिखाती रहूँगी, तो बने रहिए लव यू गार्डनिंग के साथ। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।